अच्छा मोल का तीन फॉर्मूले हम बता दें हम लोगों को, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, एन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन के बताया गया था, एक और बताया गया था एन इक्वल टू वी अपॉन बाय दशमलव चार। तो तीन फार्मूले में इस फार्मूले के न्यूमेरिकल बता दिए गए हैं, इस फार्मूले के न्यूमेरिकल बता दिए गए हैं, इस फार्मूले के न्यूमेरिकल अभी बताना बाकी है, तो इसको भी बता दिया जाए। अब जैसे कि हम ले लेते हैं न्यूमेरिकल, इस वाले का कैसे करेंगे, ये दो मोल हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर इसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या लिखा है कि दो मोल हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो मोल दिया हुआ है, साल्व कर लेते हैं, तो दिया गया है पहला गैस में क्या दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है, ठीक है। अब मोल मोल कितना दिया गया है, दो मोल दिया गया है, तो ज्ञात क्या करना है, इसका आयतन यानी इसका वी कितना है ये नहीं पता है, इसको ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो एक फार्मूला है यन इक्वल टू अपॉन 22.4। अब देखो हमें यन की वैल्यू पता है, यन मोल, मोल का मतलब क्या है, ये यन है, तो यन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दो दिया हुआ है, एक टू है, तो इसकी वैल्यू कितना है, टू है, बी हमको पता नहीं है, और ये कितना है 22.4 लीटर में है ये, तो निकालना क्या है हमको, बी निकालना है, तो 2 × 22.4 कितना हो जाएगा, ये 4 × 8, 2 × 4, 2 × 4 कितने क्या हो गए लीटर, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई, कितना लीटर आ गया। तो मतलब कि दो मोल हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर इसका आयतन कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन टू, चार मोल नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम ये देखते हैं, साल कर लेते हैं, इसमें जो गैस है वो क्या दिया गया है, नाइट्रोजन है, और जो मोल है, मोल यानी कि स्मॉल एन कितना है, चार है। अब ज्ञात क्या करना है इसका, नाइट्रोजन गैस का आयतन हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है,
n is equal to v upon 22.4 liter. अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू दिया गया है, कितना है 4 है, v हमको ज्ञात करना है और ये हमारे पास क्या है 22.4 लीटर है। क्या हो जाएगा ये, हमको v निकालना है तो v equal to क्या हो जाएगा ये 4 × 22.4, क्या हो जाएगा ये 4 × 4 = 16 हो जाएगा, ठीक है, 4 × 8 = 8, 9 × 4 = 8, ये क्या हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, इस प्रकार से हम देखते हैं जो हम मोल बताए थे, तो मोल का फार्मूला हम तीन प्रकार से बताए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। n इक्वल टू w अपॉन m, काफी न्यूमेरिकल हो गए हैं, ये पहला फार्मूला हमने बताया था। सेकेंड फार्मूला हमने ये बताया था कि n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपान यन ए, इसके भी काफी फॉर्म न्यूमेरिकल हो चुके हैं। ये थर्ड हमारा क्या है, यन इक्वल टू बी अपान 22.4, ये भी हमारे जो है न्यूमेरिकल हो चुके हैं। तो जो मोल के हम तीन फार्मूले बताए थे, पहला दूसरा तीसरा, इसमें भी काफी न्यूमेरिकल हो चुके हैं, इसके भी काफी न्यूमेरिकल हो चुके हैं और इसके भी हो चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसको मिला करके क्या कुछ अलग से न्यूमेरिकल बन सकता है क्या, इसको और इसको मिला करके क्या कुछ अलग से न्यूमेरिकल बन सकता है क्या, देख लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल इसको और इसको मिला करके जो है कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाता है, कैसे देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, नौ ग्राम H2O में उपस्थित अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल। अब मोल से संबंधित हम दो फार्मूला बताए हैं, पहला फार्मूला हमारा ये है n इक्वल टू w अपॉन m हो जाएगा, और दूसरा फार्मूला हमने ये बताया है n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे ये अपान यज्ञ हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे 9 ग्राम दिया हुआ है, ये 9 है, 9 ग्राम दिया हुआ है और हमने ये बताया है कि जो इसका डब्ल्यू होता है ये हमेशा किस में डिनोट किया जाएगा, ग्राम में डिनोट किया जाएगा। तो ग्राम में डिनोट किए जाने के कारण जो है ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही, और इसके बाद हमने ये क्या लिखा हुआ है, अणुओं की संख्या याद कीजिए। कभी भी परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या याद करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू क्या है। डब्ल्यू है, डब्ल्यू इस वैल्यू कितना है, 9 ग्राम है ये, ठीक है। और हमारे पास क्या है, एन ए है, यदि की वैल्यू कितना होती है 6.022 × 10³ हो गया ये। इसके बाद क्या है, यम है, तो यम हमको किसका निकालना है, H2O का निकालना है, बताए कि निकालना कैसे निकालेंगे हम, 1 × 2 + 16 कितना हो गया, 18 हो गया, यानी कि जो MH2 है ये कितना हो गया, 18 हो गया, क्लियर है ये।
तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला यही वाला लिख लेते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन n के। अब इसको इतना लंबा ना लिखिए, हम क्या लिखेंगे इसको, एन जीरो लिख लेते हैं। एन जीरो का मतलब भी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब देखो यहां पे n है, हमने ये बताया था कि n का मतलब क्या होता है, हमारा w अपॉन m भी तो होता है, होता नहीं होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन जीरो, अब इतना लंबा ना लिखे, हम क्या लिखेंगे इसको, एन जीरो लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एन के। अब भाई ये किसमें दिया हुआ है, एग्जाम में दिया हुआ है, इसलिए जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू क्या हम डब्ल्यू अपॉन एम नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एन जीरो हो जाएगा अपॉन, क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा इंटू, क्या हो जाएंगे, एन के हो जाएंगे। अब हल कर लेते हैं, तो n0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, w की वैल्यू कितनी है, 9 है, अपॉन m की वैल्यू कितनी है, 18 है, और n a ऐसे लिखा जाएगा, एवोगाड्रो नंबर कितना हो जाएगा, इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। काट देते हैं, 9 9 9 9 18 हो गया। तो यन को क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जो है डिवाइडेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 2 1 हो जाएंगे, और 2 3 इंटू 10 की पावर 20। तो क्या हो जाएगा, 9 H2O में H2O की अणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 3.011 × 10³ हो जाएगा। ये अगर इसको जो है हम थोड़ा सा लॉन्ग करना चाहें, हम यहाँ से कुछ जो है चेंज भी कर सकते हैं। ये कैसे चेंज कर लेंगे, ये देखते हैं। जैसे कि सारा का सारा हमारे पास क्या है, वैल्यू हो गया है, अब हम क्या करेंगे, कुछ चेंज कर लेते हैं, यहीं से एंसर वही आएगा। अब जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या n इक्वल टू हमारा क्या है, w अपॉन m होता है, ये हम जानते हैं। तो मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, तो यह w क्या है, 9 है, m कितना आएगा, 18 आएगा, कितना हो गया, n इक्वल टू 9 × 9 9 × 18 1/2, n इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अणुओं की संख्या निकालेंगे, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे अपॉन m a हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे कितना निकाल दिए हैं, 1/2 निकाल दिए हैं। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि क्या, n जीरो हो जाएगा इक्वल टू यन की वैल्यू कितना निकाल लिया यहाँ पे, 1/2, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 2 2 × 10³ कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। काट दो, कितना हो जाएगा, ये 1 1 0 2 3 6 × 10³ 23। मतलब H2O में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3.011 × 10³ 23 हो जाएगी। ठीक है,